हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मास इंग्लिश ग्रामर। ग्रामर सीरीज के अंतर्गत आज हम लेकर के आए हैं आप सभी के लिए इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है टेंस। ठीक है, आपने देखा होगा, सुना होगा, समझा होगा, और जब कभी भी बात होती है अंग्रेजी सीखने की तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हमें होती है वो टेंस में होती है। बोलते समय भी प्रॉब्लम्स जो होती है वो टेंस में होती है। तो इस टेंस को हम बहुत ही आसान तरीके से आज हम एक फ्लो चार्ट के रूप में, एक टेबल के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करेंगे टेंस को डिटेल्स में। ठीक है, समझते हैं आखिरकार होता क्या है टेंस। टेंस क्या होता है कि जो भी हम एक्शंस करते हैं, जो भी हम कार्य करते हैं, उस कार्य को करने का एक तो अलग अलग टाइम होता है। कैसे टाइम होता है? टाइम होता है कि या तो हम उस कार्य को प्रेजेंट में कर रहे हैं, पास्ट में कर रहे हैं, या फिर फ्यूचर में कर रहे हैं। कोई भी काम जब हम करते हैं तो उस काम को या तो प्रेजेंट में करते हैं, पास्ट में किया होगा, या फ्यूचर में करेंगे। ठीक है, टेंस को हम यह कह सकते हैं कि टेंस तीन प्रकार का होता है, प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में। कोई सी भी एक्शन होगी तो उस एक्शन के साथ समय दिया हुआ रहता है। कोई भी काम करता है तो वही तीन पैटर्न होते हैं उसके, कि या तो वो काम वर्तमान में करता है, या पहले पास्ट में किया होगा, या फ्यूचर में करेगा। ठीक है, तो बेसिकली जो टेंस होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। सर, यह तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और इसके साथ ही साथ हमने और भी बहुत कुछ पढ़ा है। हाँ तो भैया, क्या पढ़ा है? सर हमने यह भी पढ़ा है कि जो टेंस होता है ना, वो एक हर एक टेंस जो होता है वो चार प्रकार का होता है। कौन से चार प्रकार होते हैं फ्रेंड्स? तो हमने पढ़ा है कि एक तो होता है प्रेजेंट इंडेफिनेट, जिसको कि सिंपल भी कहा जाता है। फिर दूसरे नंबर पर जो होता है वो आता है कंटिन्यूअस। नेक्स्ट जो होता है वो होता है परफेक्ट। और परफेक्ट के बाद जो अगला आता है वो होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अब ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का मतलब क्या है? तो सर, प्रेजेंट का मतलब हो गया कि प्रेजेंट वर्तमान में, वर्तमान मतलब जो टाइम चल रहा है प्रेजेंट वाला। ठीक है, पास्ट मतलब बीते हुए समय में, और फ्यूचर मतलब आने वाले समय में। ठीक है, प्रेजेंट मतलब जो चल रहा है वर्तमान का समय, पास्ट मतलब जो बीता हुआ समय है, फ्यूचर मतलब जो आने वाला समय है। टाइम एंड टेंस, टेंस को कहा क्या जाता है? टाइम एंड टेंस। ठीक है, टाइम एंड टेंस क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि यहाँ पर कोई एक्शन तो होगी, उस एक्शन का टाइम भी दिया हुआ रहेगा, हो सकता है कि वहाँ पर टाइम स्पेशली मेंशन नहीं किया हो, लेकिन उससे समझ में आएगा हमें कि आखिरकार ये किस टाइम में चल रहा है। जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ तो ये क्या हुआ? ये प्रेजेंट की एक्शन है। ठीक है, मैंने उसे पढ़ाया था, ये पास्ट की एक्शन है। मैं आपको पढ़ाऊँगा, ये फ्यूचर की एक्शन है। इट मीन्स जब भी मैं कोई स्टेटमेंट दूंगा, जब भी मैं कोई अपनी बात बताऊँगा, तो वह तीन तरीके से हो सकती है। या तो वो बात प्रेजेंट में होगी, या पास्ट में होगी, या फ्यूचर में होगी। जितना भी हम बोलते हैं सुबह से लेकर शाम तक, जितना भी हम पढ़ते हैं, उस एक्शन का कुछ ना कुछ टाइम फिक्स होता है। तो जितने भी सेंटेंस हम ओवरऑल बोलते हैं, वो सारे जो सेंटेंसेस हैं वो टेंस पर ही डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, समझते हैं एक एक टेंस को कि आखिरकार इसका क्या अर्थ होता है। आज हम टेंस को समझेंगे हिंदी में, ताकि इंग्लिश में आपको समझने में समस्या नहीं आए। ठीक है, हिंदी का कॉन्सेप्ट अगर आपका समझ में आ गया तो इंग्लिश आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। समझते हैं, पहला है प्रेजेंट टेंस अर्थात वर्तमान में। ठीक है, अब जब कोई एक 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 अब इनको दो को हम भूल जाते हैं अभी थोड़ी देर के लिए, अब बात हम करेंगे किसकी? प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान में। अब ये जो इंडेफिनेट है, ये इंडेफिनेट क्या होता है? डेफिनेट का मतलब होता है फिक्स,
डेफिनेट का मतलब क्या होता है? फिक्स। और इनडेफिनेट का अर्थ क्या होगा? इनडेफिनेट का मतलब होगा कि जो थोड़ा सा फिक्स नहीं है। फिक्स नहीं है मतलब कोई व्यक्ति कोई काम करता है। सर ये फिक्स का ये हमको सेंस नहीं समझ में आया, ठीक है उसको सरल। कंटिन्यूअस मतलब क्या हो गया? कंटिन्यूअस मतलब चल रहा, ये लास्ट में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, परफेक्ट मतलब पूरा हो गया, ठीक है, और कंटिन्यूअस मतलब परफेक्ट, कंटिन्यूअस मतलब परफेक्ट टाइम से कंटिन्यूअस। बात समझेंगे, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। अब ये तीनों को एक एक कॉम लेकर के चलते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट समझ में आए। इनडेफिनेट आपको क्लियर नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, इसको सरल तरीके से हम कंटिन्यूअस को पहले समझते हैं। क्या होता है कंटिन्यूअस देखेंगे। कंटिन्यूअस मतलब चल रहा, अब प्रेजेंट में कंटिन्यू है, समझो इसको कॉन्सेप्ट को। कब कार्य? प्रेजेंट में, प्रेजेंट में कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट में कंटिन्यूअस है। सेंटेंसेस कैसे आएंगे? मैं बोल रहा हूँ, वह पढ़ा रहा है, वह पढ़ रहा है, स्टूडेंट्स खेल रहे हैं, स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, वे आ रहे हैं, हम जा रहे हैं, इस तरीके के सेंटेंसेस इसमें आएंगे। क्यों? क्योंकि कार्य कैसा है? प्रेजेंट में, प्रेजेंट में कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट में कंटिन्यूअस है। जब कोई कार्य प्रेजेंट में कंटिन्यूअस है, इसका मतलब कोई काम चल रहा है, कोई कार्य चल रहा है, कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है। तो प्रेजेंट में कोई काम चल रहा है या कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है। अब बात एक और बहुत ही प्यारी समझेंगे, ये जितने भी हम टाइम की बात करेंगे इसमें क्या होगा? इसमें आएगी एक्शंस, इसमें आएंगे काम। किसकी बात होगी? काम। तो काम को करने वाला कोई व्यक्ति जो रहेगा वो रहेगा हमारा सब्जेक्ट। वो कौन रहेगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब कार्य करने वाला, या फिर मैं यहां पर लिख देता हूं कि कोई व्यक्ति कोई काम, ठीक है। ये हर एक स्टेटमेंट के साथ चलेगा, जैसे कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है, कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है, कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा था, कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा होगा। ये किसकी बात हो गई? कंटिन्यूअस की। प्रेजेंट में कंटिन्यूअस मतलब कर रहा है, पास्ट में कंटिन्यूअस मतलब कर रहा था, फ्यूचर में कंटिन्यूअस मतलब कर रहा होगा। कौन? कोई व्यक्ति। जो कोई व्यक्ति रहेगा, जो काम करने वाला रहेगा, जो डूअर रहेगा, उसे हम क्या कहेंगे? सब्जेक्ट। तो यहां पर क्या हुआ कि सब्जेक्ट मतलब कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा था तो पास्ट कंटिन्यूअस होगा, कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा होगा तो फ्यूचर कंटिन्यूअस होगा। बात समझ में आई? नेक्स्ट, परफेक्ट मतलब क्या हुआ? पूरा। कब हुआ? प्रेजेंट में परफेक्ट। प्रेजेंट में परफेक्ट मतलब पूरा हो चुका है, पूरा हो चुका है। कोई स्टेटमेंट जब बनेगा तो कैसा होगा कि किसी व्यक्ति ने या कोई व्यक्ति कोई काम पूरा कर चुका है, कोई व्यक्ति कोई काम पूरा कर चुका है, या किसी व्यक्ति ने कोई काम कर लिया है, या किसी व्यक्ति ने कोई काम कर लिया है। पास्ट में इस स्टेटमेंट को बताएंगे परफेक्ट वाले को तो किस तरीके से बताएंगे कि भैया पास्ट में परफेक्ट हो चुका था, इट मीन्स पास्ट में किसी व्यक्ति ने कोई काम कर लिया था, पास्ट में किसी व्यक्ति ने कोई काम कर लिया था, या कोई व्यक्ति कोई कार्य कर चुका था। पास्ट में परफेक्ट मतलब किसी व्यक्ति ने कोई काम कर लिया था या फिर कोई व्यक्ति कोई कार्य कर चुका था, उसे हम क्या कहेंगे? पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब किसी व्यक्ति ने कोई काम कर लिया है, पास्ट परफेक्ट मतलब किसी व्यक्ति ने कोई काम कर लिया था। फ्यूचर में परफेक्ट, फ्यूचर में परफेक्ट मतलब फ्यूचर में परफेक्ट हो चुका होगा, कोई व्यक्ति कोई काम कर चुका होगा, कोई व्यक्ति कोई काम कर चुका होगा, या फिर किसी व्यक्ति ने कोई कार्य, किसी व्यक्ति ने कोई कार्य कर लिया होगा, किसी व्यक्ति ने कोई कार्य
कर लिया होगा। कब कर लिया होगा? फ्यूचर में। कब कर लिया होगा? फ्यूचर में। बात समझ में आ रही है? प्रेजेंट में कंटिन्यूअस मतलब अभी चल रहा है, पास्ट में कंटिन्यूअस मतलब पास्ट में चल रहा था, फ्यूचर में कंटिन्यूअस मतलब फ्यूचर में चल रहा होगा, प्रेजेंट में परफेक्ट मतलब प्रेजेंट में पूरा हो चुका है, पास्ट में परफेक्ट मतलब पास्ट में परफेक्ट हो चुका था, फ्यूचर में परफेक्ट मतलब फ्यूचर में पूरा हो चुका होगा। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट समझते हैं। देखिए ये इनडेफिनेट क्या है? इनडेफिनेट का मतलब ये है कि ना तो यहाँ कार्य कंटिन्यूअस है ना ही यहाँ कार्य परफेक्ट है। इनडेफिनेट मतलब क्या हुआ? ना तो यहाँ पर कोई कार्य कॉन्टिन्यूअस है और ना ही यहाँ पर कोई कार्य परफेक्ट हो चुका है। तो फिर क्या होगा? इसमें सिंपल स्टेटमेंट देंगे, इनडेफिनेट स्टेटमेंट देंगे। कैसे? कि भैया कोई व्यक्ति कोई काम करता है, कोई व्यक्ति कोई काम करता है। कोई दूसरा पास्ट में क्या होगा? कोई व्यक्ति ने कोई काम किया, कोई व्यक्ति ने कोई काम किया, या किसी व्यक्ति ने कोई काम किया, किसी व्यक्ति ने कोई काम किया। फ्यूचर में क्या होगा? कोई व्यक्ति कोई कार्य करेगा, कोई व्यक्ति कोई काम करेगा। तो बात समझ में आई? प्रेजेंट इंडेफिनेट मतलब कोई व्यक्ति कोई काम करता है, पास्ट इंडेफिनेट मतलब किसी व्यक्ति ने कोई काम किया, फ्यूचर इंडेफिनेट मतलब कोई व्यक्ति कोई काम करेगा, कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस मतलब चल रहा है, कॉन्टिन्यूअस मतलब चल रहा है, प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूअस मतलब प्रेजेंट में काम चल रहा है, पास्ट में कॉन्टिन्यूअस मतलब पास्ट में कार्य चल रहा था, फ्यूचर में भी कॉन्टिन्यूअस मतलब कोई कार्य फ्यूचर में भी कॉन्टिन्यूअस होगा या फिर चल रहा होगा, या फिर चल रहा होगा। ठीक है, इसी तरीके से बात होती है परफेक्ट की। परफेक्ट मतलब क्या होता है? पूरा। प्रेजेंट में परफेक्ट मतलब प्रेजेंट में पूरा हो चुका है, पास्ट में परफेक्ट मतलब पास्ट में पूरा हो चुका था, फ्यूचर में परफेक्ट मतलब फ्यूचर में पूरा हो चुका होगा। अब हमारे को याद नहीं रखना है क्या? कोई सा भी काम होगा वो तीन तरीके से या चार तरीके से बताया जाएगा। ठीक है, अभी हमने तीन तरीकों के बारे में पढ़ा है। क्या? कि प्रेजेंट में कोई काम है तो वो तो इंडेफिनेट होगा, या कंटिन्यूअस होगा, या परफेक्ट होगा। अगर कोई काम पास्ट में है तो वो क्या होगा? इंडेफिनेट होगा, कंटिन्यूअस होगा, परफेक्ट होगा। अगर कोई काम फ्यूचर में है तो फ्यूचर में भी हो या तो इंडेफिनेट होगा, कंटिन्यूअस होगा, या फिर परफेक्ट होगा, या फिर परफेक्ट होगा। सर ये परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है? सर ये परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है? अरे भैया परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों मिलकर के परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। सर परफेक्ट कंटिन्यूअस कैसा? परफेक्ट मतलब पूरा। अब यहां पर परफेक्ट मतलब निश्चित टाइम की बात करेंगे। परफेक्ट मतलब क्या होगा? निश्चित टाइम से। देखिए होता क्या है, कभी कभी क्या होता है कि हम बताते हैं कि कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है, ये जनरल स्टेटमेंट हो गया। पर कभी कभी हम बताते हैं कि कोई काम कब से चल रहा है, जैसे कोई व्यक्ति कोई काम किसी पुराने निश्चित समय से अभी तक कर रहा है, किसी निश्चित समय से प्रारंभ होकर कोई काम अभी तक चल रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्यों कहलाएगा? क्योंकि ये कार्य प्रेजेंट में परफेक्ट टाइम से कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट में परफेक्ट टाइम से कंटिन्यूअस है, इसलिए इसे क्या कहा जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहा जाएगा। अब एक बात सर, ये तो हमें हिंदी में तो समझ में आ गया, बड़े ही अच्छे तरीके से हिंदी में समझ में आ गया। हमारी समस्या सर हिंदी में नहीं है, हमारी समस्या इंग्लिश में है। हमें आप इंग्लिश में समझाइए कि किस तरीके से होता है, बहुत ही आसान तरीके से। हिंदी में अगर आपको समझ में आ गया ना तो बड़ा ही क्विक तरीके से हो जाएगा इंग्लिश में। देखिए बड़े जादू की छड़ी के रूप में हम यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखेंगे और आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट समय से, परफेक्ट समय से, देखिए परफेक्ट टाइम से कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट में परफेक्ट टाइम से कंटिन्यूअस है मतलब कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है, परफेक्ट टाइम से, परफेक्ट टाइम से कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है, कोई व्यक्ति कोई काम परफेक्ट टाइम से कर रहा था, फ्यूचर में कोई काम परफेक्ट टाइम से कर रहा होगा।
ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं इंग्लिश में, कि इंग्लिश में अब एक एक को उठाएंगे हम। हम पहले बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखिए प्रेजेंट जो इंडेफिनिट है ना, इसको कई बार लोग क्या कहते हैं कि ये प्रेजेंट सिंपल भी है। इट मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट सिंपल भी कहा जाता है। बात होती है कि कोई व्यक्ति कोई काम करता है, जैसे कि कोई व्यक्ति कोई काम करता है मतलब मैं आपको पढ़ाता हूँ, आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, वे स्कूल आते हैं, हम कॉलेज जाते हैं, हम रोज़ यूट्यूब पर क्लासेस देखते हैं, हम क्लासेस अटेंड करते हैं, सूर्य जो है ना वो पूर्व दिशा से उदय होता है, सूर्य पश्चिम में डूबता है, धरती गोल घूमती है। मतलब बात क्या हुई कि कोई भी काम होता है या कोई भी व्यक्ति कोई काम करता है तो इसके अंतर्गत आएगा, वो आएगा प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंतर्गत। क्या कोई व्यक्ति कोई काम करता है। सर इसको हम और क्या बता सकते हैं भैया, इसको आप ये बता सकते हैं कि जब हमें किसी व्यक्ति की हैबिट बताना हो, उसकी आदत बताना हो, किसी व्यक्ति की हमको डेली रूटीन बताना हो, किसी व्यक्ति की हमें डेली रूटीन बताना हो, कभी कभी हमको यूनिवर्सल ट्रुथ बताना हो, सर्वकालीन सत्य कि ऐसा होता ही है। क्या होता है भैया कि सूर्य जो है ना वो पूर्व दिशा से उगता ही है, पश्चिम में डूबता ही है, ठीक है, पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता ही है। तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ हो गए। ये कैसे ट्रुथ हो गए? यूनिवर्सल सार्वभौमिक सत्य। तो इनके लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनेट का ही यूज करेंगे, इनके लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनेट का ही यूज करेंगे। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो ये हमें प्रेजेंट इंडेफिनेट, इसको क्या बोलूंगा मैं, यहां पर लिख देता हूं एक और पॉइंट ताकि आपको थोड़ा सा समझने में आसान रहे, कि भैया यूनिवर्सल ट्रुथ, कौन सा ट्रुथ? यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सत्य जो सब जगह होता है, उसको बताने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनेट का। सर ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया प्रेजेंट इन। अब ये तो हमको समझ में आ गया सर, आप ये बताइए कि इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हिंदी में समझ में आ गया? क्या बोला मैंने कि कोई व्यक्ति कोई काम करता है, किसी व्यक्ति की हैबिट, डेली रूटीन या यूनिवर्सल ट्रुथ जब भी आपको बताना हो, जब भी आपको बताना हो तो आप एक काम कर देना। क्या कर देना? अब उसके लिए मैं आपको एक बहुत ही प्यारी सी टेबल बना करके देता हूँ ताकि आपको कोई समझने में प्रॉब्लम नहीं हो और सारी चीज़ें आप आसानी से कर पाए, ठीक है। एक बहुत ही प्यारी टेबल बना करके देता हूँ आपको, है ना, जो कल हमने या इसके प्रीवियस लेक्चर में बनाई थी, ठीक है। इसके अंतर्गत हम क्या लिखेंगे? इसके अंतर्गत हम लिखते हैं कि बात किसकी कर रहे हैं हम? प्रेजेंट इंडेफिनेट की। किसकी बात कर रहे हैं? प्रेजेंट इंडेफिनेट। ये प्रेजेंट इंडेफिनेट क्या होता है, इसका मतलब क्या निकलता है, इसका अर्थ क्या होता है? इसमें हम बताते हैं कि कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है। क्या बताते हैं? कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है। इसके माध्यम से हम बता सकते हैं किसी व्यक्ति का डेली रूटीन। इसके माध्यम से हम बता सकते हैं किसी व्यक्ति का डेली रूटीन बता सकते हैं। और क्या बता सकते हैं? हम बता सकते हैं कि किसी व्यक्ति ने डेली रूटीन बता सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को हमको ध्यान रखना है। सॉरी इट वॉज लिटिल टेक्निकल मिस्टेक। सो कोई व्यक्ति कोई काम करता है तो हम ये क्या बताते हैं? डेली रूटीन। करता है मतलब क्या हो गया? उसकी डेली रूटीन की बात हो सकती है, या इसकी हैबिट की बात हो सकती है, या इसके यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ की हमने बात बताई थी। क्या होता है यूनिवर्सल ट्रूथ? कि कोई व्यक्ति कोई काम करता ही है, कुछ भी होता ही है, तो वो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, ठीक है। अब इसके स्ट्रक्चर की बात अगर हम करें कि सर इसमें स्ट्रक्चर क्या होगा, तो इसमें स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजीएस्ट सिंपल है। क्या? कि ऊपर वालों के साथ आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। सर ये ऊपर वाले और नीचे वाले क्या है, ये तो हमें समझ में ही नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो इसको और डिफरेंट तरीके से हम समझ सकते हैं। कैसे? देखिए इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे ताकि आपकी सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की या सब्जेक्ट की प्रॉब्लम भी हमेशा के लिए सॉल्व हो जाए। उसके लिए हम एक काम करते हैं। क्या करते हैं कि जनरली हम जो सब्जेक्ट लेते हैं, हम कौन से सब्जेक्ट लेते हैं? आई वी यू दे प्लूरल, ठीक है। सब्जेक्ट में भी ही शी इट नेम एंड सिंगुलर, ठीक है। जब हमको बताना हो, क्या हमें अगर बताना हो कि कोई व्यक्ति कोई काम
बात किसकी हो रही है, केवल प्रेजेंट इंडेफिनेट की हो रही है, ठीक है। कोई व्यक्ति कोई काम करता है वाली बात आए, कोई व्यक्ति कोई काम करता है मतलब प्रेजेंट इनडेफिनेट की बात आए, तो आपको एक बात ध्यान रखना, क्या कि जो ऊपर वाले हैं ना इनके साथ आपको यूज करना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और नीचे वाले जो है ना वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगा देना। इसका अर्थ क्या होगा, इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग होगा कि कोई व्यक्ति कोई काम करता है, ठीक है। और इसका भी क्या होगा, इसका भी वही होगा कि कोई व्यक्ति कोई काम करता है, ठीक है। और क्या बात ध्यान रखना कि अगर आपको बताना हो ना कि कोई व्यक्ति कोई काम नहीं करता है, नहीं करता है मतलब नेगेटिव सेंस की बात हो, किसकी बात हो, नेगेटिव सेंस की बात हो, तो इसका मेन इसमें क्या यूज करेंगे हम, इसमें यूज करेंगे डोंट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसका अर्थ क्या होगा, डोंट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अर्थ होगा कि कोई व्यक्ति कोई काम नहीं करता है। और यहां पर क्या होगा, यहां पर यूज किया जाएगा डजंट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसका अर्थ क्या होगा, इसका भी वही अर्थ निकलेगा कि कोई व्यक्ति कोई काम नहीं करता है, ठीक है। बात समझ में आई। सर आपने ये बता दिया कि कोई व्यक्ति कोई काम करता है, आपने ये भी बता दिया कि डेली रूटीन बताते हैं, इससे आपने ये भी बता दिया कि यूनिवर्सल ट्रूथ बता दिया। अब इसके हमको प्रैक्टिकल सेंटेंसेस कुछ बताओ, जैसे कि मैं जाता हूँ आई गो, मैं लिखता हूँ आई राइट, मैं खेलता हूँ आई प्ले, मैं भेजता हूँ आई सेंड, मैं जानता हूँ आई नो, मैं सोचता हूँ आई थिंक, मैं देखता हूँ आई सी, मतलब कोई भी व्यक्ति कोई काम करता है तो डायरेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देना। नहीं करता है, नहीं करता है तो मैं नहीं जाता हूं आई डोंट गो, मैं नहीं समझता हूं आई डोंट अंडरस्टैंड, आप नहीं पढ़ते हैं यू डोंट स्टडी, अरे नहीं भैया मैं सेंटेंस बोल रहे हैं आप पढ़ते हैं, ठीक है। आप पढ़ते हैं तो यू स्टडी, मैं नहीं पढ़ता हूं तो आई डोंट स्टडी, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो करता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, नहीं करता है तो ऊपर वाले कौन, ये आई वी यू दे और प्लूरल है ना, ऊपर वाले हैं, और ही शी नेम इट सिंगुलर नीचे वाले हैं। इनके साथ हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस आएगा तो क्या लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम में सर ये हमें कब काम में आएगा, अरे भैया आपको लिखा हुआ आ जाए कि शी ठीक है, सेंटेंस आ गया कि शी मी लाफ, ठीक है वो मुझे हंसाती है। अब लिखा हुआ आ गया कि भैया मेक लगाओ या मेक्स लगाओ, मेक लगाओ या मेक्स लगाओ, तो हमको क्या पहचानना है कि भैया ये शी जो है ऊपर है कि नीचे, नीचे है, मतलब वर्ब जो भी आएगी उसके साथ क्या यूज किया जाएगा, एस या ईएस, तो कौन सी वर्ब है, एस या ईएस वाली, तो यहाँ करेक्ट क्या हो जाएगा, शी मेक्स मी लाफ, ठीक है। इसी तरीके से कोई सा सेंटेंस आ गया नेगेटिव वाला कि हिज फादर, His father know me, उसके पिताजी मुझे नहीं जानते हैं, मेरा सेंस अगर है तो अब यहां पर ऑप्शन आया कि भैया डोंट का यूज करो या डजंट का यूज करो, ठीक है। अब ये देखिए ये हिज फादर तो यहां पर कहीं दिया नहीं है, तो फिर ऐसी स्थिति में हमें क्या देखना है कि सिंगुलर है या प्लूरल, तो हिज फादर सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या यूज किया जाएगा, डजंट, तो क्या होगा करेक्ट, हिज फादर डजंट नो मी, अंडरस्टैंड बात, His father doesn't know me. तो his father क्या हो गए, सिंगुलर हो गए, सिंगुलर के साथ क्या यूज किया जाएगा, doesn't का यूज किया जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमने बात कर ली प्रेजेंट इंडेफिनेट में। प्रेजेंट इंडेफिनेट मतलब क्या होता है, कोई व्यक्ति कोई काम करता है के लिए ऊपर के वालों के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाएगा, और नीचे वालों के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाया जाएगा, ठीक है। करता है तो फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, नहीं करता है तो इनके साथ डोंट, और नीचे वालों के साथ डजंट। पहचानना कैसा है, सब्जेक्ट यहां लिखा हुआ है वह सब्जेक्ट है तो कोई बात नहीं, नहीं लिखा हुआ है तो फिर उसको देखना है कि वो सिंगुलर की बात हो रही है या फिर प्लूरल की बात हो रही है। अगर सिंगुलर की बात हो रही है तो पॉजिटिव में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाएंगे, ठीक है। नेगेटिव की बात हो रही तो डजंट लगा देंगे। इसी तरीके से ऊपर वालों की बात हो रही तो पॉजिटिव में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाएगा, नेगेटिव में डोंट का यूज किया जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, मतलब क्या हुआ, बात अगर ऊपर वालों की हो रही है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाएगा, नीचे वालों की बात हो रही तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाया जाएगा, किसमें, पॉजिटिव में, किसमें, पॉजिटिव में। और अगर नेगेटिव की बात हो रही है तो ऊपर वालों के साथ डोंट का यूज किया जाएगा और नीचे वालों के साथ डजंट का यूज किया जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई, डोंट डजंट के बाद हम क्या यूज करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म।
ये बात समझ में आ गई, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब दूसरा क्या होता है, पास्ट में इनडेफिनेट, मतलब किसी व्यक्ति ने कोई काम किया, पास्ट इनडेफिनेट मतलब किसी व्यक्ति ने कोई काम किया, ठीक है। तो क्या करेंगे, अरे भैया कुछ नहीं करना है इसमें, बड़ा ही सरल है, आप देख लेना वर्ब का सेकेंड फॉर्म डायरेक्ट यूज कर लेना, वर्ब का सेकेंड फॉर्म सीधे उपयोग कर देना। क्या अर्थ निकलेगा, किसी व्यक्ति ने कोई काम किया, मैंने पूछा आई आस्क्ड, उसने बताया ही टोल्ड, हम गए वी वेंट, वे आए दे केम, मींस यू हैव टू यूज ओनली वर्ब सेकेंड फॉर्म, यू हैव टू यूज ओनली वर्ब्स सेकेंड फॉर्म, किसी व्यक्ति ने कोई काम किया। अच्छा सर इसमें नेगेटिव की बात भी हो सकती है, हाँ भैया जरूर नेगेटिव की बात हो सकती है। नेगेटिव मतलब क्या होता है, किसी व्यक्ति ने कोई काम नहीं किया, किसी व्यक्ति ने कोई काम नहीं किया, तो नहीं किया में हम क्या यूज करेंगे, आपको नहीं बताया गया है लेकिन अभी बता देते हैं, क्या डिडंट, डिडंट मतलब डिड नॉट, के साथ, के साथ, इसको ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखना है, बहुत ही जरूरी बात है, क्या कि डिडंट के बाद वापस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। सिंपली अगर पॉजिटिव सेंटेंस है कि किया तो सेकेंड फॉर्म रहेगा, और अगर नहीं किया तो डिडंट के बाद वापस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हो जाएगा। नई बात समझ में आई, एक काम करना आप यह ध्यान रखना कि दुनिया में एकमात्र ऐसा स्ट्रक्चर जहां पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म उपयोग किया जाता है, दुनिया में एकमात्र ऐसा स्ट्रक्चर जहां पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किया जाता है वो कौन सा स्ट्रक्चर है, वो है पास्ट इंडेफिनेट का। क्या अर्थ निकलता है कि किसी व्यक्ति ने कोई काम किया, इसके अलावा जीवन में कभी सेकेंड फॉर्म कहीं मत लगाना, ठीक है, बात समझ में आ गई। और अगर लगाने की कोशिश करी तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, कोई काम किया वर्ब का सेकेंड फॉर्म, मैंने पूछा आई आस्क्ड, वे आए। अब इससे क्या बता सकते हैं, अरे भैया इससे आपकी पास्ट की डेली रूटीन पूरी बता सकते हो, कल आपने क्या किया, आई गोट अप लेट अर्ली इन द मॉर्निंग, में सुबह जल्दी खड़ा हुआ, ठीक है, आई टुक बाथ, में नहाया, आई वेंट टू टेम्पल, में मंदिर गया, मतलब कोई काम किया तो आप सेकेंड फॉर्म लगा दो किस सब्जेक्ट के साथ, ठीक है, नहीं किया तो मैंने नहीं किया, आई डिडंट डू इट, मैंने नहीं पूछा, आई डिडंट अस्क, मैंने नहीं बताया, आई डिडंट टेल, वे नहीं आए, दे डिडंट कम, ठीक है, नहीं किया तो डिडंट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कोई व्यक्ति कोई काम करेगा, बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही आसान है, कौन, डब्ल्यू आई डबल एल विल, डब्ल्यू आई डबल एल विल, के साथ, के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कोई व्यक्ति कोई काम करेगा। पास्ट की बात हो रही है कि पास्ट में हमने क्या कहा कि किसी व्यक्ति ने कोई काम किया, किसी व्यक्ति ने कोई काम किया, ठीक है, किसी व्यक्ति ने कोई काम किया, तो पॉजिटिव में क्या करना है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म ऊपर नीचे अलग अलग है, नहीं भैया सभी के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म आएगा, किसी ने कोई काम किया तो सेकेंड फॉर्म आएगा, करता है तो ऊपर वालों के साथ फर्स्ट फॉर्म, नीचे वालों के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एसिया ईएस, किसी व्यक्ति ने कोई काम किया, सर अगर नहीं किया तो, अरे भैया नहीं किया तो लगा देना डिडंट, के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, किसके साथ, डिडंट, डिडंट जिसको आप बोलते हैं, के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्या अर्थ हो जाएगा, नहीं किया, ठीक है, बात समझ में आ रही है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सरल कॉन्सेप्ट है। कोई व्यक्ति कोई काम करेगा, मैं जाऊंगा, आई विल गो, वे आएंगे, दे विल कम, सर पढ़ाएंगे, सर विल टीच, हम समझेंगे, वी विल अंडरस्टैंड, सर इसके साथ शैल भी तो आता है, सर इसके साथ शैल भी तो यूज किया जाता है, हाँ भैया आई और वी के साथ जनरली शैल का यूज किया जाता है, बाकी सभी के साथ विल का यूज किया जाता है, लेकिन आजकल सभी के साथ विल का उपयोग करने लग गए तो सभी के साथ विल का उपयोग किया जाता है, ठीक है, उसकी कुछ कंडीशंस है, सभी के साथ कुछ कंडीशंस है, तो हम उसके ये जो नेक्स्ट क्लास लेकर के आएंगे उसमें सारी कंडीशंस के ऊपर बात करेंगे कि क्या होता है, कब उपयोग किया जाता है, कब नहीं उपयोग किया जाता है, कौन कौन सी चीजें बताई जाती है, वे सारी चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। आई और वी के साथ शैल का यूज किया जाएगा, बाकी सभी के साथ विल का यूज किया जाएगा, कोई व्यक्ति कोई काम करेगा, ठीक है, कि कोई व्यक्ति कोई काम करता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, किसी व्यक्ति ने कोई काम किया तो सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, कोई व्यक्ति कोई काम करेगा तो विल शैल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाएगा, तो विल शैल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट, कोई काम कर रहा
रहा है, प्रेजेंट में कंटिन्यूअस। प्रेजेंट में कंटिन्यूअस मतलब कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है। क्या यूज करेंगे सर इसमें? ये जरा डिफिकल्ट लग रहा है, ये जरा आसान लग रहा है, ये जरा सरल लग रहा है, कैसा लग रहा है बताइए इसको। और देखिए भैया बड़ा सरल है, ना ही कठिन है ना ही डिफिकल्ट है, ये कैसा है? सरल है। सरल कैसा है? इसमें वर्ब आप यूज करना बी। सर ये बी वर्ब कौन सी है? इसके प्रीवियस में जो हमने एक वीडियो अपलोड किया था उसमें हमने बताया था कि बी वर्ब के अंतर्गत कौन कौन सी वर्ब आती है। कौन सी आती है? प्रेजेंट में एम इज आर, प्रेजेंट में एम इज आर, और पास्ट में वाज एंड वर, और पास्ट में वाज एंड वर। तो प्रेजेंट में क्या यूज किया जाएगा? प्रेजेंट में हमने बोल दिया कि एम इज आर, और पास्ट में क्या यूज किया जाएगा? वाज एंड वर। पास्ट में क्या यूज किया जाएगा? वाज एंड वर। समझ में आई बात? उसके बाद हमने एक और वर्ब पढ़ी थी, कौन सी वर्ब? हैव वर्ब। हैव वर्ब तो उसके लिए भी हमने बात की थी क्या कि प्रेजेंट में हैव एंड हैज, प्रेजेंट में हैव एंड हैज, और पास्ट में हैड, और पास्ट में हैड। एक और बात समझ लो क्या कि जब भी फ्यूचर की बात कहीं पर भी हो, जब भी फ्यूचर की बात कहीं पर भी हो तो फ्यूचर में विल और शल को कंपलसरी हमने रखा है। विल और शल को कंपलसरी रखा गया है, ठीक है, या तो विल या फिर शल, ठीक है। अब ध्यान रखना इसकी जो मेन वर्ब है, क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का उपयोग किया गया, अब हेल्पिंग वर्ब अगर बन गई तो फिर मेन वर्ब लिखेंगे तो विल शल के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा? बी, ठीक है। यहाँ पर विल शल के बाद क्या आ जाएगा? हैव। अब बचता क्या है? अब इसमें बचता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, जो भी आप लगाना चाहें, ठीक है। कंटिन्यूअस की जब भी बात हो, कंटिन्यूअस की जब भी बात हो तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है कि कंटिन्यूअस में हमेशा वर्ब का आईएनजी फॉर्म उपयोग किया जाता है। यहीं पर लिख देता हूं मैं, कंटिन्यूअस जब भी बात हो आईएनजी फॉर्म लगाना है, परफेक्ट जब भी बात हो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। कंटिन्यूअस जब भी बात हो वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करना है, परफेक्ट जब भी बात हो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, ठीक है। तो एम इज आर के साथ कंटिन्यूअस जब भी आएगा ना तो क्या अर्थ निकलेगा? कि कोई काम चल रहा है, कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है। वाज वर्ब के साथ अगर वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा ना तो क्या अर्थ निकलेगा? कोई व्यक्ति कर रहा था या कोई काम चल रहा था। विल बी और शैल बी के साथ अगर आईएनजी आएगा ना तो क्या अर्थ निकलेगा? कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा होगा या कोई काम चल रहा होगा। इसी तरीके से हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट में परफेक्ट। प्रेजेंट में परफेक्ट मतलब पूरा हो चुका है। प्रेजेंट में परफेक्ट मतलब पूरा हो चुका है। पूरा हो चुका है तो लगाएंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म। पूरा हो चुका है तो क्या लगाएंगे? वर्ब का थर्ड फॉर्म। पास्ट में भी पूरा हो चुका था मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म। फ्यूचर में भी पूरा हो चुका होगा मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म। बड़ा ही सरल, बड़ा ही आसान है। जैसे कि एक वर्ब में लेता हूं, कौन सी वर्ब लेते हैं? अब हम लेते हैं एक वर्ब राइट। राइट मीन्स क्या होता है? लिखना। राइट मीन्स क्या होता है? लिखना। मैं लिखता हूँ आई राइट, मैंने लिखा आई रोट, मैं लिखूंगा आई विल राइट, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा था आई वॉज राइटिंग, मैं लिख रहा हूँगा आई शैल बी राइटिंग, मैंने लिख लिया है आई हैव रिटन, मैंने लिख लिया था आई हैड रिटन, मैंने लिख लिया होगा आई विल हैव रिटर्न। बात समझ में आई? कोई व्यक्ति कोई काम कर लिया है, कर चुका है, कर रहा है, कर रहा था, सारी चीज़ों को हमने यहाँ पर टेबल के माध्यम से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ठीक है। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, कोई व्यक्ति कोई काम करता है तो सेकेंड फॉर्म, करता है तो फर्स्ट फॉर्म, किया तो सेकेंड फॉर्म। कोई व्यक्ति कोई काम करेगा, कोई व्यक्ति कोई काम करेगा, करेगा तो लगा देना विल और शैल के साथ, या भी सिंपली विल समझ लो, ठीक है। कोई व्यक्ति कोई काम करेगा तो विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है, कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है तो ध्यान रखना, तो ध्यान रखना आई के साथ एम के साथ आईएनजी लगाया जाएगा, ठीक है। बाकी वी उधर प्लूरल में आर के साथ आईएनजी लगाया जाएगा, ठीक है। और परफेक्ट में इज के साथ वर्ब का आईएनजी लगाया जाएगा, ठीक है, सिंगुलर में, ठीक है। तो आई के साथ एम आईएनजी, वी यू दे के साथ आर के साथ आईएनजी, किस में? कर रहा है, मैं जा रहा हूँ आई एम गोइंग, हम पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, वी आर टीचिंग, वह पढ़ रहा है, ही इज स्टडिंग या ही इज रीडिंग। समझ में आ रहा है बात, ठीक है, कर रहा है। अब अगली बात है कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई काम कर लिया है, अगर कोई व्यक्ति ने कोई काम कर लिया है, सर इसके पहले पास्ट का समझ लेना है। अगर तो पास्ट में भैया कर रहा है, कर रहा था, कोई व्यक्ति अगर कोई काम कर रहा था तो भी यही बात ध्यान रखना है क्या? वाज के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाना, ठीक है। इसमें
प्लूरल की बात होगी तो वर्ग के साथ आई एन जी। सर ये किसके साथ लगा रहे हैं? अरे भैया ये आई के साथ वॉज आई एन जी लग रहा है, वी उधर प्लूरल के साथ वर और आई एन जी यूज किया जा रहा है, और इधर सिंगुलर में वॉज के साथ वर्ब का आई एन जी फॉर्म यूज किया जा रहा है। वॉज के साथ वर्ब का आई एन जी फॉर्म, क्या अर्थ निकल रहा है? कर रहा था, कर रहा है तो एम इज आर के साथ आई एन जी, कर रहा था तो वॉज वर्ब के साथ आई एन जी, ठीक है। इसी का फ्यूचर कर रहा होगा, कर रहा होगा, कर रहा होगा में कोई अलग से कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली यूज करना है विल बी के साथ, विल या शेल, विल या शेल बी के साथ वर्ब का आई एन जी फॉर्म, ठीक है। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर भी विल और शेल लगा लो ताकि इन फ्यूचर आप थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो, ठीक है। विल और शेल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अब बड़ा ही सिंपल टेबल हो गया, बड़ा ही आसान हो गया, बड़ा ही सरल हो गया। कैसे? मैं करता हूँ आई डू, मैंने किया आई डिड, मैं करूँगा आई विल डू, मैं कर रहा हूँ आई एम डूइंग, मैं कर रहा था आई वॉज डूइंग, मैं कर रहा होऊंगा आई विल बी डूइंग, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही आसान है। करता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, किया तो सेकेंड फॉर्म, करेगा तो विल फर्स्ट फॉर्म, कर रहा है तो एम इज आर के साथ आई एन जी फॉर्म, कर रहा था तो वॉज वर्ब के साथ आई एन जी फॉर्म, कर रहा होगा तो विल बी के साथ आई एन जी फॉर्म, ठीक है। अगला क्या है? परफेक्ट वाली बात करते हैं। तो परफेक्ट में भी यही फॉर्मूला अप्लाई होता है, कौन सा? आई वी यू दे प्लूरल ही शी इट नेम सिंगुलर या फिर अनकाउंटेबल भी कभी कभी हमारे लिए सब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है। अगर हमको बताना है कि किसी व्यक्ति ने कोई काम कर लिया है, अगर हमें बताना है कि किसी व्यक्ति ने कोई काम कर लिया है, मतलब परफेक्ट की बात हो, तो ऊपर वाले मतलब हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देना, नीचे वालों में हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देना। अरे बड़ा ही सरल है, मैंने कर लिया है आई हैव डन, मैंने भेज दिया है आई हैव सेंट, मैंने लिख लिया है आई हैव रिटन, मैंने पढ़ा दिया है आई हैव टॉट, मैंने पढ़ लिया है आई हैव रेड। समझ में आया कि नहीं? कोई काम कर लिया है। इन द सेम वे अगर हमें बताना है कि किसी व्यक्ति ने कोई काम कर लिया था, इफ एनी वन हैड डन एनी थिंग, कर लिया था, तो वहाँ पर आप यूज कर सकते हैं सभी के साथ, सभी के साथ हेड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। कर लिया था किसी व्यक्ति ने कोई काम, मैंने लिख लिया था आई हैड रिटन, मैंने भेज दिया था आई हैड सेंट, मैंने समझ लिया था आई हैड अंडरस्टूड। अगर हमें बताना हो कि कोई व्यक्ति फ्यूचर में कोई काम कर लिया होगा, किसी व्यक्ति ने फ्यूचर में कोई काम कर लिया होगा, तो बड़ा ही आसान है, बड़ा ही आसान है, विल या शल के साथ, विल या शल के साथ हैव आएगा और फिर उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देना, ठीक है। कर लिया होगा आई विल हैव रिटर्न, ही विल हैव टोल्ड, ठीक है, दे विल हैव कम, ठीक है, इस तरीके से। तो विल हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाएगा। कर लिया है तो हैव के साथ थर्ड फॉर्म, कर लिया था तो हेड के साथ थर्ड फॉर्म, कर लिया होगा तो विल हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। बात यहाँ तक समझ में आई या नहीं आई? आई होप, हम आशा करते हैं कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी, ठीक है। ये जो टेबल है ये बड़ा ही आसान टेबल है, बड़ा ही सरल टेबल है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। अभी इसमें हमने परफेक्ट कंटीन्यूअस को छोड़ दिया है। परफेक्ट कंटीन्यूअस अगर आप ऊपर वाले जो 9 स्ट्रक्चर्स हैं इनको अगर अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो ये नीचे वाला बड़ा ही आसान हो जाएगा। अगर ये नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो इसमें सा लिटिल कन्फ्यूजन आपको क्रिएट हो सकता है, इसलिए हम आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो ऊपर वाला कॉन्टेंट है इसको पहले अच्छे तरीके से कर लीजिए। सारे स्ट्रक्चर को हमने मेंशन कर दिया है। सर स्ट्रक्चर पूरा तो लिखा नहीं? अरे भैया ये लिख दिया हमने सब्जेक्ट, ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। फिर इसके बाद करता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऐसे ही एस लगा देना, अगर किया तो वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा देना, करेगा तो विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आगे सब्जेक्ट रहेगा सभी में, ठीक है, और पीछे क्या रहेगा? पीछे रहेगा ऑब्जेक्ट, आगे सब्जेक्ट रहेगा और पीछे ऑब्जेक्ट रहेगा और बीच में ये रहेंगे स्ट्रक्चर। सर कैसे पहचानेंगे कि ये स्ट्रक्चर है? अरे भैया आपके समझने के लिए हम स्ट्रक्चर को कुछ ना कुछ हाईलाइट कर देते हैं या उसमें कुछ ना कुछ डिज़ाइन डाल देते हैं। अरे सर डिज़ाइन? हाँ डिज़ाइन डाल देते हैं। कैसे? डिज़ाइन नहीं डाल रहे हैं, हम एक पैराग्राफ रेक्टेंगल में इसको पैक कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया,
पॉजिटिव के लिए ये हो गया, नेगेटिव के लिए, ठीक है। किसी व्यक्ति ने कोई काम किया तो सिंपली सेकेंड फॉर्म, नहीं किया तो डिंट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, करेगा तो विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या शल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कर रहा है तो एम इज आर के साथ आई एन जी फॉर्म, कर रहा था तो वाज वर्ब के साथ आई एन जी फॉर्म, कर रहा होगा तो विल बी के साथ आई एन जी फॉर्म, कर लिया है तो हैव हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, कर लिया था तो हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, कर लिया होगा तो विल हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। बात समझ में आ गई। आगे क्या है? अरे भैया आगे लिखना है आपको सब्जेक्ट, ठीक है, और पीछे लिखना है आपको ऑब्जेक्ट, ठीक है, और बीच में जिस भी टॉपिक की बात करें, जिस भी टेंस की बात करें, उसका स्ट्रक्चर लिख देना। करता है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऐसे यस प्लस ऑब्जेक्ट, किया तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, नहीं किया तो डिडंट के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ गई। बड़ा ही आसान है, बड़ा ही सरल है, इसको आप थोड़ा सा अपने स्तर पर समझने की कोशिश कीजिएगा, और जो भी थोड़ा सा डाउट है आप हमें कमेंट में बताइए, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने मित्रों के साथ साझा कर सकते हैं, ताकि सभी को फायदा मिले और सभी की लैंग्वेज बेहतर बने। हमारा उद्देश्य है हम इंग्लिश लैंग्वेज, आप सभी की, भारत में कोई भी व्यक्ति जो है लैंग्वेज के मामले में पिछड़ना नहीं चाहिए, यह हमारा उद्देश्य है, और इसके लिए हम सतत प्रयासरत है, कंटिन्यूस हम एफर्ट्स कर रहे हैं, ठीक है। क्या करना है अभी, एक और काम आप कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा अच्छा लगे तो, उसमें हमारा एक ऐप है प्ले स्टोर पर मास स्टडी के नाम से, ठीक है, तो ये आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें सर हमारा क्या फ़ायदा, इसमें आपका फ़ायदा यह है कि जो मास स्टडी ऐप है, हमारे अलग अलग कोर्सेस है उसकी उसमें जानकारी मिलेगी, और अभी कुछ ऑफर्स चल रहे हैं तो ऑफर में आपको एकदम मिनिमम कॉस्ट में जो है वो बहुत सारे उसमें कोर्सेस आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। कौन से कोर्सेस उसमें अवेलेबल हो जाएंगे? उसमें आपका ग्रामर का कोर्स हो सकता है, स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज हो सकते हैं, अगर आप वोकैब अपनी इंप्रूव करना चाहते हैं तो वोकैब के कोर्सेज हो सकते हैं, आप पर्सनल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं लैंग्वेज के माध्यम से तो पर्सनल ट्रेनिंग भी उसमें मिल सकती है, और बहुत सारे कोर्सेस से उसमें आपको मिल जाएंगे मास स्टडी, ठीक है। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से, या फिर अगर आप एप्पल यूजर है तो आपका जो भी उसमें स्टोर रहता है वहां से आपको मिल जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप कि आपका आज का सेशन थोड़ा सा ठीक ठाक रहा होगा, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा ठीक ठाक रहा, समझ में आया, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारा जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन रहे या नेक्स्ट जो भी हमारी क्लासेस रहे आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।